बरोटी वाला के पास कुल्हाड़ी वाला में बरोटी वाला पुलिस ने 41 किलो बीफ के मीट समेत एक बंगाली दंपति व एक अन्य युवक को गिरफ्त में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार कुल्हाड़ी वाला में कुशाल गोयल नाम का व्यक्ति अपने घर से कुल्हाड़ी वाला की तरफ आ रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि एक युवक कुल्हाड़ी वाला में लगी प्रवासी लोगों की झुंडियां, जिसमें ज्यादातर बंगाली लोग रह रहे थे, में लिफाफे में बंद कोई मीट बेच रहा था। जब उन्होंने शक के आधार पर पूछा कि तुम ये किस चीज का मीट बेच रहे हो, तो वह घबरा कर वहाँ से भाग गया। वहाँ पर रह रहे लोगों ने बताया कि इसका नाम रवि है और वह परिवार सहित कुल्हाड़ी वाला में रह रहा है। देखते ही देखते वहाँ कुछ लोग एकत्रित हो गए व उन्हें शक हुआ कि ये बीफ का मीट है। ये सभी लोग उसके घर पहुँचे तो कमरे में उसकी बीवी व एक अन्य युवक आलमगीर कमरे में था। यही नहीं, कमरे में लिफाफों में बंद बीफ का और भी मीट बरामद किया गया। लोगों ने इसकी सूचना बरोटी वाला पुलिस को दी व DSP खजाना राम व SHO बरोटी वाला बहादुर सिंह मौके पर पहुँचे। वह वहां पर पड़े लगभग 41 किलो 400 ग्राम कच्चे मीट को लिफाफों को कब्जे में ले लिया। मौके पर ही उन्होंने पशु चिकित्सक बरोटी वाला डॉक्टर शंकर को बुलाया। वह ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये मीट किस जानवर का है। बरोटी है जी, गांव मेरा कुल्हाड़ी वाला है जी। मैं अपने गांव से बरोटी वाला की तरफ आ रहा था तो आते वक्त मेरे को सिंगी की दुकान के पास, वहाँ बंगाली रहते हैं जी, वहाँ पर एक बंदा बाइक पे मेरे को कुछ बेचता हुआ दिखाई दिया। जब मैंने मौके पर वहाँ जाके देखा तो उसके पास बीफ पाया गया, 5-7 किलो बीफ पाया गया उसके पास। तो मैंने उससे पूछा भी, ये आप कहाँ से लेके आए, यहाँ तो हमारे लोग गऊ को पूछते हैं और ये जो काम आप कर रहे हो, इस काम को हमारे यहाँ बहुत गलत माना जाता है। आप यहाँ पर हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचा रहे हो। तो कहते भी कि मेरे को पता नहीं कहाँ से आता है, पीछे से आता है, पैकिंग में आता है भी माल टोटली। तो उसके पास जी 8-10 किलो मगी मीट पाया गया मौके पे। तो हमने उसको पकड़ के वहाँ बिठाया तो मौके से वहाँ से फरार हो गया जी। तो हम उसके कमरे पे गए, वहाँ पर उसके कमरे पे उसकी मिसिज थी और उसके साथ एक बंदा और था जी वहाँ पर। तो हमने उनसे कन्फर्म किया भी आपके यहाँ मीट कमरे में कहाँ से आया है। तो वहाँ देखा उन्हें मीट 40-50 किलो मीट पड़ा था उसके कमरे में। तो लेडीज ने कोई जवाब नहीं दिया जी, ना कोई जो जेंट्स था उसने कोई जवाब दिया। तो हमने थाना बरोटी वाला SHO साहब को सूचित किया तो उन्होंने मौके पे आके वहाँ अपना बीफ अपने कब्जे में लिया और हमारे से हमने उनके विरुद्ध कंप्लेंट दी। आगे बाकी हमारे SHO साहब कार्रवाई करेंगे, हमारे को भरोसा है उनके ऊपर। गोयल द्वारा एक शिकायत पुलिस के पास दी है, इसमें गुलाड़ी वाला के पास एक व्यक्ति मुसलमान रवि नाम का व्यक्ति जो भी कहीं वेस्ट मॉल करने वाला है, ये कहीं अपने मोटरसाइकिल पे गुलाड़ी वाला भी करके मांस बेचता है। तो उनको ये शक है कि शायद गाय का मांस है। तो इस शिकायत पत्र के ऊपर केस रजिस्टर कर दिया गया है और इसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। वेटनरी डॉक्टर को बुला करके इसका निरीक्षण किया जा रहा है और इसके बाद इसको जो है जो बरामद मांस है उसको लेबोरेटरी भेज करके इसका एनालिसिस करेंगे और जो भी इसमें पाया जाएगा उसका इंतजार कर रहे हैं। सर, इसमें कितने लोग गिरफ्तार किए गए? अभी गिरफ्तार नहीं, क्योंकि इसमें जो मांस है उसका ये असर्टन करना है कि है किस चीज़ का है। जब तक उसका पता लगता है, पूछताछ के लिए हमें दो व्यक्ति, एक लेडीज और एक पुरुष को थाने में बुलाया हुआ है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।